हूँ, मैं तुम्हारे पापा का भी दोस्त हूँ और तुम्हारे मामू का भी। मेरा तो मामू नहीं है। तुम्हारा मामू क्यों नहीं है? अभी बता दे भाई, अभी बता दे। चोरी थी क्या बता रही थी आप मुझे? ये बता रही थी, जो मेरे हस्बैंड है, मेरे कजन है, उन्होंने 20 दिन पहले पता चला हमारे साथ। अच्छा, और उससे पहले क्या थे? I got brides in Atlanta, just to lean the family, credit cards and scams, hitting the licks in the bank, legacies. मिस्टर अरविंद केजरीवाल दोस्तों, ये एक ऐसा व्यक्ति है जो कि दिल्ली सल्तनत का सुल्तान है और IIT का पढ़ा लिखा 14 भी। और दोस्तों, इस सुल्तान की खास बात यह है कि ये मूवीज को टैक्स फ्री करता है अपनी सल्तनत में और उनका प्रमोशन करता है। पर यह सिर्फ उन मूवीज को टैक्स फ्री करता है और उनको प्रमोट करता है जिस फिल्म के एक्टर्स इसकी पार्टी के लिए कैंपेन करते हैं और इसकी पार्टी को सपोर्ट करते हैं। ये नेल बट्टे, सन्नाटा, सांड की आंख जैसी घटिया मूवीज को प्रमोट कर देगा, लेकिन एक ऐसी फिल्म जो कि कश्मीरी हिंदुओं के जेनोसाइड के ऊपर आधारित है, एक ऐसी सच्चाई को दिखाती है जो सारे देश को देखने की जरूरत है, ऐसी फिल्म को ये कभी प्रमोट नहीं करेगा। और जो पार्टी इस फिल्म को प्रमोट कर रही है, इसका सपोर्ट कर रही है, और दोस्तों उस पार्टी का ये मजाक उड़ाता है। और दोस्तों, केजरुद्दीन के पीछे ये जो खिसियानी बिल्ली अपने दांत दिखा रही है, यह आम आदमी पार्टी की MLA है राखी बिरला। दोस्तों, इसके खुद के पिता के ऊपर रेप चार्जेस लगे हुए हैं, इसके भाई के ऊपर डोमेस्टिक वायलेंस का केस चल रहा है और ये खुद भी भ्रष्टाचार के लिए अक्यूज्ड पाई गई है, लेकिन उसके बाद भी ये अधेड़ उम्र की महिला अपने पीले दांत दिखा रही है। और दोस्तों, मेरा सभी सनातनियों से निवेदन है कि इसको जल्द से जल्द लपाड़ों का प्रसाद दें ताकि ये ऐसी बहकी बहकी बातें करना बंद कर दे। पूरा हनुमान चालीसा नहीं, दो लाइन। अच्छा, ठीक है, चलिए, ये बार बार इनकी डिमांड आ रही है, चलिए मैं एक सेकंड, ये मैं ठीक है। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीस्तिहु लोग उजागर। अब आगे का आप बोलिए। रामदूत अतुलित बल धामा, अंजनी पुत्र पवन सुतनामा। अब आगे का ये भोसले और ये शिवसेना की प्रवक्ता बोलेगी बिना गूगल करे। मुसलमान होने के बावजूद मैंने आपको चार लाइनें सुनाई, वैसे हनुमान चालीसा बीच में नहीं छोड़ते, ये पाप होता है, ये नहीं करना चाहिए, पर शिवसेना, अब तुमने मुझे चैलेंज दिया है, तुम आगे की चार सुनाओ और ये भोसले को बोलो आगे की चार सुनाए। ये विषय हनुमान चालीसा सुनाने का नहीं है, ये विषय ये है कि तुम लोग वोट बैंक का वीटो दे देते तो नमाज सड़कों पर पढ़ेंगे, परंतु मेरे लोग अगर हनुमान चालीसा पढ़ना चाहते हैं तो उन पर सेडिकेशन का केस डाल देंगे, आप उनको सार्वजनिक जगह पर बोलने नहीं देंगे। आप बोलो ना, इनके फुल फ्रेम काटो, गूगल नहीं करना है, बोलो बिना देखे, बोलो शीतल मात्रे बिना देखे, बोलो अगर तुम हिंदुत्व के असली प्रचारक हो, बोलो आगे की चार लाइन, बोलो गूगल कर। हेलो, नमस्कार, हम रहा दोस्तों, अगर आप लोगों का मेरे एक नए वीडियो में, जैसा कि आप सभी को पता लग ही गया होगा कि बीजेपी में जो मुस्लिम से और बाकी अदर पार्टीज में जो मुस्लिम हुए हैं उनमें क्या डिफरेंस है, आप लोगों से सबसे इतनी अपील करना चाहता हूँ कि आप लोग वीडियो के अंदर बने रहिएगा, मैं अपने वीडियो के थ्रू कुछ ना कुछ आपको मैसेज देने की कोशिश करता हूँ। काफ़ी समय से वीडियो नहीं बना पा रहा था क्योंकि यार मेरे टाइम के बोर्ड चल रहे हैं, उस वजह से मुझे टाइम नहीं मिल पा रहा है, और अभी थोड़ा बहुत टाइम मिला है तो यार वीडियो बना रहा हूँ। आप लोग वीडियो के अंदर बने रहिएगा और नेक्स्ट क्लिप में आप जरूर देखिएगा कि सलमान खुशी थी रिपोर्टर ने कैसे पैंट बजाई। अभी इसका तर्जुमा करा देता हूँ, आप तर्जुमे पढ़ लेना अगर अंग्रेजी नहीं आती। चलिए, हो सकता है आपकी अंग्रेजी बहुत अच्छी हो, हम हिंदी बोलने वाले, मातृभूमि की भाषा बोलने वाले बड़े सिंपल लोग हैं। मातृभूमि की भाषा हम बोलते हैं मातृभूमि की भाषा। आपने बोला मैं तर्जुमा करा देता हूँ, तो मैंने बोला कि मातृभूमि की तर्जुमा इसलिए करा देता हूँ कि आप अम्मा की गोद से अभी निकल ही नहीं पा रहे हैं, अंग्रेजी बोलना नहीं आती तो डजंट मैटर, लेकिन ये बुली नहीं कर पाओगे। अम्मा की गोद से निकल के इस लड़के को अब 40 साल की उम्र हो चुकी है। अरे तो अब तो अम्मा की गोद से तो ये लड़का निकल चुका है। अरे तो और जिस माँ की कोख से निकला है वो भी हिंदू थी और वो भी हिंदुत्व की बात करती थी। और जिस माँ की कोख से मैं निकला हूँ उस माँ ने मुझे सिखाया है कि हिंदुत्व जो है, हिंदू जो है, वो वासुदेव कुटुंबकम की बात करता है। कसम खा लो, वर्ड इज वन फैमिली की बात करता है। अच्छा 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 अच्छा, ये सही, इसकी बात नहीं करता। अच्छा, मैं अंगूर ले आई हूँ, धोकर फ्रिज में रखे हैं, जब खाने हो बता देना। क्या भाव लिए? 80 रुपए किलो। 80 रुपए किलो? नहीं नहीं, मैंने नहीं लिए 80 रुपए किलो वाले, वो गुच्छों वाले जो थे वो 80 रुपए किलो थे, पर मैंने वो खुले वाले लिए, घर में ही तो खाने थे, कौन सा रिश्तेदारों को लेकर जाने थे। क्या भाव थे? 40 रुपए। 40 रुपए किलो? हाँ। समझ में आया कुछ? क्या? बहुत गहरी बात है। गहरी बात मतलब सिर्फ 3 लाइन में सब कुछ है इसमें। इसमें कौन सी गहरी बात है बताओगे? हमारी कीमत जो है ना, वो अंगूर के गुच्छों जैसी है। गुच्छा यानी परिवार। जब हम एक साथ होते हैं अंगूर के उस गुच्छे की तरह, तभी हमारी असल कीमत होती है। भले ही आजादी, फ्रीडम थोड़ी कम हो, जैसे ही हम अलग होते ना, वो टूटे हुए अंगूर जैसे, जैसे ही हम बिखरते हैं तो बस बिखर जाते हैं। जब जब मंदिर
ऐसे तो धर्म मेरा हिंदू भी है, मैं हिंदुओं के लिए बात नहीं कर सकता। नहीं आप करो, लेकिन थोड़ा मूल बात मेरी जाति बाद में आती है, मेरी पढ़ाई बाद में आती है, सबसे पहले मेरा आता धर्म। और जब धर्म नहीं रहेगा तो इंसान भी नहीं रहेगा। जैसे कश्मीर से पंडितों को भगा दिया, सबसे पहले है हिंदू धर्म, सनातनी है हम हिंदुओं, हमें दूसरों ने नाम दिया है, हमारा है सनातन धर्म। पढ़ाई लिखाई रोजगार कमाई सब पीछे। एक बात बताओ, जब आपको घर से निकाल के मार देगा पढ़ाई काम आएगी? बस ठीक जा रहा। आपको कोई हथियार नहीं रखना है, क्या पता है इस घर से बाहर निकलते में कोई पागल जिहादी कुत्ता आपको काट ले तो आप क्या करोगे? आपके हर भगवान के हाथ में हथियार है, आप कहते हो ना भगवान को भगवानों के हथियार रखना पड़ा, आप तो उसके बंदे हो भाई साहब, आपकी क्या औकात है? शास्त्रों का अध्ययन कीजिए, लेकिन शस्त्र चलाना भी आना चाहिए। जरूरत पड़ने पे भगवान राम ने समुद्र से बड़ी मिन्नतें की, बड़ी प्रार्थना की कि हमें रास्ता दे दो, रास्ता दे दो, वो नहीं ऐं चैं बैं कैं करता रहा। जैसे ही धनुष बाण उड़ाया उसने कहा महाराज ये रास्ता ले लिया। मूर्ख नहीं है भगवान कृष्ण, बांसुरी बजा रहे हैं, माखन खा रहे हैं, जरूरत पड़ने पर बांसुरी रखी और सुदर्शन चलाया, उसके बाद महाभारत। नमस्ते जी, अब मेरा नाम दीपा शाह है। दीपा जी आप बैठ करके बोलिए, मुझे लगता है आपको थोड़ा कष्ट हो रहा है, आप बैठ करके बोलिए, बैठ करके बोलिए। हाँ हाँ बताइए दीपा जी। मोदी जी मेरे को सन 11 में पैरालाइज पड़ा था, मैं बोल नहीं पाती थी, मेरा होठों में इलाज चलता था, दवाइयाँ बहुत महंगी आती थी, आपके द्वारा जन औषधि दवाइयाँ मिली, मैंने खाना सुन लिया और मेरी दवाइयाँ जो है 5,000 की आती थी और अब मेरी दवाएं 1,500 की आती हैं, तो 3,000 मुझे मिलता है, उससे मैं अपने खर्चा और फल फ्रूट वगैरह खाती हूँ। और मैं मोदी जी मैंने ईश्वर को तो नहीं देखा, लेकिन मैंने आपको ईश्वर के रूप में देखा है, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। जवाब दे दिया था कि मैं ठीक नहीं होंगी, लेकिन आपका आशीर्वाद आपकी वाणी से मैं ठीक हो रही हूँ। पर मुझे फिर कहती हूँ मैं आपको, मैंने ईश्वर को नहीं देखा, मैंने आपको देखा है तो ईश्वर के मूल रूप में देखा है। अब मैं थोड़ा थोड़ा बोलने भी लग गई हूँ और लोग मेरी मदद करते हैं, मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहती हूँ। बुलडोजर आ जाएंगे जी, मतलब सरकार अगर आना चाहे तो नहीं आ सकता? शाहीन बाग का नाम सुना आपने? एक बार बोला आपने मुझे शाहीन बाग, और फिर फील कर ला कि शाहीन बाग, शाहीन बाग है इसका नाम। कि बुलडोजर आ रही है शाहीन बाग में, आ गया ना आ पाएगा? करीब बुलडोजर आने के लिए बहुत बड़ा जिगरा चाहिए, समझ रहे हो ना? शाहीन बाग में देखा बुलडोजर का खौफ, आई आंखें खराब हुई, फिर से पढ़ता हूँ, शाहीन बाग में देखा बुलडोजर का खौफ,
शाहीन बाग बोल गई बोधा। हाँ, दुकानदारों ने खुद ही शुरू की सड़क से सामान हटाने की पहल। हिंदी में एक शब्द है, इसको कहते हैं फट गई। मैं चिंतित हूं और मैं बताना चाहता हूं चिंतित क्यों। 28 दिसंबर 2020 को कांग्रेस पार्टी के स्थापना दिवस पर राहुल गांधी जी गायब हो जाते हैं और विदेश में पर्सनल कारणों से जाते हैं। अप्रैल 2022 में जब कांग्रेस पार्टी को प्रशांत किशोर की तरफ से पूरी चीज चल रही थी, राहुल गांधी जी अभी अपने पर्सनल रीजन से जाते हैं। 2019 में भी राहुल गांधी जी ने महाराष्ट्र और हरियाणा में होने वाले चुनावों में भी, जब देश भर में पूरे सीए के खिलाफ विरोध प्रदर्शन और ट्वीट कर रहे थे, ये चले गए थे फॉरेन ट्रिप में। जनवरी 2022 में जब कांग्रेस पार्टी की रैली होनी थी पंजाब में, ये चले गए थे फॉरेन ट्रिप पे। ऐसा क्या पर्सनल रीजन है राहुल लाल, जब मम्मी जो है वो देश के अंदर है। पूरी कांग्रेस पार्टी बैंकॉक से तो नहीं चलती, देश से चलती है। कांग्रेस पार्टी देश के अंदर है, उनकी जो बहन है वो देश के अंदर रहती। ऐसे क्या पर्सनल रीजन हो जाते हैं कि पॉलिटिकल प्रेफरेंस को छोड़ के पर्सनल कारणों से चले जाए एक पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव के? इतने क्या पर्सनल कारण है, देश को जानना जरूरी है? उनका ये वाक्य बहुत प्रसिद्ध है और वो कई बार इसका उल्लेख करते थे। आई गो टू द उपनिषद टू आस्क क्वेश्चंस। सुभान अल्लाह। बैठो बैठो, बैठ जाओ, बैठो बैठो। क्या समझ रहे हो कहीं से? ये गौस पाक के हाथ में मिंबर, बैठो। हेलो नमस्कार, हम लोग स्वागत आप लोगों का मेरे एक नए वीडियो में। जैसा कि आप सभी को पता लग ही गया होगा कि बीजेपी में जो मुस्लिम्स हैं और बाकी अदर पार्टीज में जो मुस्लिम्स हैं उनमें क्या डिफरेंस है, आप लोगों से सिर्फ इतनी ही अपील करना चाहता हूँ कि आप लोग वीडियो के एंड तक बने रहिएगा। मैं अपने वीडियो के थ्रू कुछ ना कुछ आपको मैसेज देने की कोशिश करता हूँ। काफ़ी समय से वीडियो नहीं बना पा रहा था क्योंकि यार मेरे टाइम के बोर्ड चल रहे हैं, उस वजह से मुझे टाइम नहीं मिल पा रहा है। और अभी थोड़ा बहुत टाइम मिला है तो यार वीडियो बना रहा हूँ। आप लोग वीडियो के एंड तक बने रहिएगा और नेक्स्ट क्लिप में आप जरूर देखिएगा कि सलमान खुशी थी रिपोर्टर ने कैसे पैन बजाई। ब्रह्मांड में अब तक दर मादर चोर जो नेता पैदा हुआ, पूरे ब्रह्मांड का दर मादर चोर नेता, उसको हम लोग अरविंद भोसड़ीवाल के नाम से जानते हैं। आखिरी पंक्त अरविंद भोसड़ीवाल क्या कह रहे हैं? अरे बाप प्रोफेसर, सबसे बड़े हम मादर चोर हैं, साबित करके दिखाएंगे। सबसे बड़े हम मादर चोर हैं, साबित करके दिखाएंगे।